नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन न्यूज़ में। मैं पवन कुमार जुनेजा। आज हम पूर्वी दिल्ली में आए हुए हैं, जहाँ पे ये बैंक एंक्लेव का प्लेग्राउंड है। इसमें छोटा सा एक मिनी स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रोज़ाना शाम को इकट्ठे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक एकेडमी चलती है फुटबॉल की, जिसमें सभी बच्चे खेलते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम इन बच्चों से यहाँ पूछेंगे किस तरीके की यहाँ इन्हें दिक्कतें आती हैं या किस तरीके की यहाँ इन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बच्चे, आपका नाम? सार्थक। बच्चे, ये बताएं कि आप यहाँ कितने समय से फुटबॉल खेल रहे हैं? मैं यहाँ से यहाँ पे 2-3 हफ्ते से फुटबॉल खेल रहा हूँ। 2-3 हफ्ते से खेल रहे? तो 2-3 हफ्ते में आपने अभी तक कैसा लगा कि आपको यहाँ फुटबॉल खेलने लायक जगह है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरे बाहर के बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और ऐसे रबर बॉल से नहीं, लेदर की बॉल से खेलते हैं, जो कि लग जाए तो बहुत हार्मफुल होती है। ऐसे में हमारे साथ और भी बच्चे हैं, थोड़े सीनियर बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। बच्चे, आपका नाम? अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक है। तो यहाँ पे हमें कुछ फैसिलिटी तो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, इससे पैर टकरा के हम गिर जाते हैं। हमेशा यहाँ पे पानी फैला रहता है। यहाँ पे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, इससे बहुत डेंजरस है, वो तो आपको पता ही है, वो लग जाता है। अभी देखा आपने, एक पता नहीं क्या किसी चीज़ की बॉल थी, वो बहुत हैवी बॉल थी, अभी लग जाते हैं इनमें से किसी को, तो जैसे चोट लग सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब इतनी दिक्कतें हैं, तो आप लोग आगे कहीं कंप्लेंट नहीं करते पार्क मैनेजमेंट को या किसी अपने एरिया के बड़े? राहुल है, हम कंप्लेंट करते हैं पर वो एक्शन नहीं लेते। तो किसको आपने कंप्लेंट की? हमने DDA के जो हेड है उनको कंप्लेंट करी थी। DDA के हेड है, उन्हें कंप्लेंट आपने पहले कर चुके हैं? हाँ जी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बच्चे, आप लोग इतने अभी छोटे छोटे हैं, अगर आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेना चाहेगा आपके इधर? यहाँ पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है? तो आपके पेरेंट्स वगैरह अलाउड करते हैं कि आप यहाँ इस तरीके के ग्राउंड पे खेलो जो कि ख़राब सा है? नहीं करते हैं। तो फिर आप यहाँ डेली आते हैं फिर भी, और किस तरीके से फिर आप मैनेज करते हैं? गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या चीज़ चाहते हैं जो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिले? गोल पोस्ट लग जाए और जो गड्ढे हैं वो भर जाए। गड्ढे से बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरा गोल पोस्ट के में आइडिया नहीं होगा जब कि कहाँ मारना है, कितना मारना है, तो गोल नहीं मार पाएंगे मैचेस में। तो मतलब यहाँ एक गोल पोस्ट चाहिए और थोड़ा सा गड्ढे जो है उन्हें भरा जाना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यही हैं सबसे ज़्यादा। हमने यहाँ पे गोल पोस्ट रखवाए थे हमारे जूलियट सर ने, लेकिन जो यहाँ पे कोई है इंचार्ज यहाँ का DDA का, वो कह रहा है कि तुमने हमारे पास रखवाया था तो वो हमारा है, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मतलब आपके गोल पोस्ट भी DDA द्वारा हटा दिए गए हैं, और उस पर भी वो कह रहे हैं कि आपका नहीं हमारा है। आज हम गए थे उनसे लेने, लेकिन उन्होंने दिए नहीं हमें। तो आप लोग यहाँ पे एक साथ होके कुछ गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरे के उधर देख के सब बोल सकते हैं एक साथ। बस चाहेंगे कि पार्क के और हालत अच्छी करी जाए, और जो गली डंडा खेलते हैं और क्रिकेट, उनको थोड़ा साइड करा जाए, फिर अलग से करा, और यहाँ पे पोल्स और ग्राउंड बिल्कुल पिच कर दिया जाए सही से फुटबॉल के गोल पोस्ट। तो ये हमारे साथ किशनगंज के बच्चे हैं, ललिता पार्क के बच्चे हैं, सब आसपास के बच्चे हैं जो कि डेली यहाँ खेलने आते हैं फुटबॉल, लेकिन समस्या इनकी इतनी ज़्यादा है कि बच्चों के पास गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, पानी भरा रहता है, गोल पोस्ट नहीं है, और गोल पोस्ट जो पहले लगे हुए थे वो भी DDA द्वारा हटा दिए गए। ऐसे में हमारे साथ यहाँ कोच हैं इनके, जूलियस जी, उनसे बात करेंगे। पूछें सर, यहाँ जो ये सारा माहौल बन रहा है, यहाँ जो बच्चे हैं इतना अच्छा फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ फैसिलिटीज़ की इतने अभाव है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो ये ग्राउंड था ये फुटबॉल का ही ग्राउंड था, यहाँ गोल पोस्ट लगे हुए थे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर, मगर ये जो होना चाहिए था फुटबॉल का जो एकेडमी यहाँ पे पहले चलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, मगर क्रिकेट वालों ने यहाँ पर आके कब्जा कर लिया, और उनके आने से जो है सारी फैसिलिटी जो है क्रिकेट वालों को मिलने लगी, और यहाँ पर जो है दूसरे तबके के लोग भी आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, मगर जो हमारे जो हैं जो फुटबॉल का जो है तबका जो है हमारा, और जो टीम हमारे यहाँ खेलती है अकाडमी के बच्चे खेलते हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाह रही हैं, मैं बार बार कह के थक गया। DDA वालों से भी मैंने कहा, बालिया साहब भी यहाँ पर थे, और मेरे ख्याल जो आपके MLA हैं मैंने भी उनको बोला है, और MP साहब हैं हमारे त्यागी साहब, उनको भी बोला है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए। जब तक वाले साहब थे तो ग्राउंड अच्छा था और हरियाली रहती थी, मगर उन पर क्रिकेट वालों का कब्जा था, यहाँ पर उनसे भी बड़ी बहस हुआ करती थी हमारी। अब मैं अपील भी बार बार बच्चों के द्वारा भी मैंने बोला है, बच्चे भी अपील करना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर अगर हमारे को फैसिलिटीज मिल जाए, गोल पोस्ट मिल जाए। वो कहते हैं कि गोल पोस्ट लगाते हैं, रिमूवल वाले लगाओ के रिमूव करो, मैच खत्म, आप प्रैक्टिस ख़त्म करिए और हटा दो, मगर उसको हटा करके हम रखेंगे कहाँ? जी बिल्कुल, हाँ, उसको उठा के हम रखेंगे, और बड़ी चीज़ है और भारी चीज़ है, बच्चे उठा करके कैसे लेके जाएंगे?
तो हर चीज़ का बच्चों के साथ, मैं तो जो ये खेल रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे तो यहाँ पर मेरे 10-10 साल से खेल रहे हैं और शुरू से छोटे से 6 साल से आकर के खेल रहे हैं और बहुत अच्छा, और इनका जो टैलेंट है मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से टैलेंट है ना बच्चों का, बहुत आगे बढ़ सकता है और मेरे लड़के जो हैं वो बड़े हुए आगे जी बिल्कुल। और पेरेंट्स इनको, मैंने पेरेंट्स को अपील करी है कि आज वो आ रहे हैं स्पोर्ट्स हेल्प लाइन वाले आ रहे हैं, वो हमारी जो कमियां पेशियां हैं और जो कुछ भी हमारे को फैसिलिटीज मिलने चाहिए वो उसको आगे जाके बताएंगे, मगर उससे पहले कि हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हमें मिल जाएं तो जितने भी ये लड़के खड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी, ये 10 साल का बच्चा है या 9 साल का है या 11, सब छोटे छोटे बच्चे, अगर इनको नहीं मिलेगी अभी ग्रास रूट लेवल से इनको नहीं मिलेगी फैसिलिटीज तो ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो अभाव है या फैसिलिटीज़ का है, जिसमें कि गड्ढे भरे जाने चाहिए, ग्राउंड को एक प्रॉपर लेवल पे किया जाना चाहिए, गोल पोस्ट लगे जाने चाहिए, और साथ ही साथ इन छोटे छोटे बच्चों को जो एक भविष्य है इस वक्त डीडीए के हाथ में है, डीडीए के ग्राउंड में है, कि इन बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि ये अपना भविष्य बना सकें और इन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बन सके। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ पवन कुमार जुनेजा, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन, न्यू।